हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीक्षा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छी होंगे, और अगर अच्छी नहीं भी है तो आज का ब्लॉग देखकर डेफिनेटली अच्छे होने वाले, क्योंकि आप लोगों ने ट्यूनिंग कर लिया है स्मार्ट टॉक में। वेलकम टू मिमी फैमिली। क्रिसमस ट्री व्हाइट हो चुकी है। आप देख सकते हैं पीछे कि अच्छी स्नो पड़ गई थी कल, और एक्चुअली रात में ही पड़ी है। जब हम सोए थे तो थोड़ा थोड़ा फॉल हो रहा था, पर सुबह उठते ही ब्यूटीफुल व्हाइट हो चुका था। कल रात को हिम्मत कुकीज़ एंड दूध रखना भूल गया था सेंटा के लिए। देन ही केम बैक एंड पुट कुकीज़ एंड मिल्क फॉर सेंटा। हाय गाइस, टुमारोज़ क्रिसमस एंड आई बुक Doodoo and cookies for me. I'm just kidding, for Santa! Do you think Santa gonna come? Yeah, of course! Alright. Hey, who fixed the cookies like this? I did. And Doodoo for Santa? Mm-hmm. Santa like Doodoo? You've been a good kid this year? Yes, madam. Madam? Okay, bye sweetie. Go for night night. Bye! So, जब हम मैं और हिम्मत सुबह उठे, मैं जल्दी उठना नहीं चाहती थी, पर मैं हिम्मत की एक्साइटमेंट देखना चाहती थी एंड देखना चाहती कि सैंटा हमारे घर वाकई आया है। एंड यस, सैंटा हमारे घर आया था। यस, ही डिड। एंड वो हिम्मत के लिए बहुत अच्छा प्रेजेंट लेके आया है, जो हिम्मत ने खोला था अर्लियर। I don't know. ट्विस्ट होती है आगे पीछे, हेयर देयर ब्ला ब्ला ब्ला, एंड इसमें रिमोट भी है और इसकी कितनी लंबी पूंछ भी है। एंड ये काफी ज्यादा हैवी टॉय है। आई एम वेरी हैप्पी कि सैंटा गॉट दिस फॉर हिम्मत। एंड इसके दाम देख लो दोस्तों। हिम्मत भी कि सारा साल बहुत अच्छा किड बन के रहा था, तो इसलिए आई थिंक सैंटा आया हिम्मत के लिए। सो यस, एंड सैंटा ने कुकीज एंड दूध भी पी लिया था। ऑलराइट दोस्तों, तो अर्लियर हिम्मत स्नो के साथ प्ले करने के लिए गया था। मैंने उसकी कुछ वीडियो बनाने की कोशिश भी की, एंड उसके बाद मैं भी गई थी, पर मेरे हस्बैंड ने मेरी वीडियो नहीं बनाई। सो हम दोनों ने काफी ज्यादा मजा किया स्नो बॉल्स के साथ। Right, Himmat? Yeah, it was so much fun. We got the blue thing to do. So, जो earlier हम blue लेके आए थे snow balls बनाने वाला, उसको हमने use किया and वो बहुत अच्छा काम करता है और मज़ेदार balls बना रहा था वो। Right, Himmat? The snow balls was so good. So good. Yeah, मैंने बना बना के टेढ़ लगा दिया, और उसके बाद हम दोनों ने उन balls के साथ daddy को पीटा। Yeah. So funny. Oh yeah, और मैंने और हिम्मत ने भी fight snowballs के साथ। And then this happened on the
ओह यार हमारी फाइट का प्रूफ यहाँ पे अभी भी बाकी है. एक्चुअली ठंड बहुत ज्यादा नहीं थी, ठंड ओके किस्म की थी, इसलिए हम लोग बाहर जाके प्ले कर पाए थे. पर फिर भी मुझे ठंड लगनी शुरू होगी, मैं आ गई और ये कितना समय बाहर अकेले प्ले करता रहा. योद्धे नो तैयार करके भेज दो. Are you feeling cold or it's okay? Wow! You know I've been blind for years, and I've been crying all these tears for a reason. They came and went like seasons. But I want this to stay, yeah, yeah, for as long as you can. 'Cause I've been searching and searching for you, and I can't help but smile when you're near, 'cause you make me throw away my fear. And दोस्तों हिम्मत के नन्नी से चोट भी लगी थी नोज में, राइट हिम्मत? Yeah. I don't know what he did. क्या की किता ही तो दस दे सब. ओके इसे लगा कि बहुत ज्यादा स्नो है, ऐसे स्नो एंजल बनाने के लिए ये ऐसे गिर गया. पूरा अपना पूरा वेट उसने डाल दिया एंड नक पे इसके नोज पे चोट लग गई एंड ब्लड निकलना शुरू. और इसने ये बात छुपा के रखी, बताया नहीं क्योंकि मम्मी अंदर बुला लेगी. या ब्लड इज गॉन ब्ला ब्ला. पर मैंने ब्लड देख लिया तो इसने बताया मुझे ये स्टोरी कि इसने ऐसे किया था. यू कैन डू दैट. ओके दोस्तों आपको क्या अच्छा लगता है विंटर या समर? Everybody loves winter. All right, दोस्तों तो मुझे समर अच्छे लगते हैं, हिम्मत को विंटर. आई डोंट नो क्यों. आपको कौन सा वेदर अच्छा लगता है जरूर से बताएं. और अब समय हो चुका है 5:15 और मैं अपने लिए चाय बनाने वाली हूँ. शायद हस्बैंड भी पी. हस्बैंड यू वांट चा? नो. ओके हस्बैंड यू वांट चा? नो. ओके गाइस आज हमारे घर एक ईगल आया था जिसके शिकंजे में कोई पंछी था एंड उसने शिकार किया था यहीं आसपास. पर वो कितना हैंडसम लगता है यार, शातिर. भाई गली बोल देना ना. ऑल राइट दोस्तों हम हस्बैंड को पुश करते हैं कि वो चाय बनाए एंड उनके साथ हम टी टाइम मनोरंजन करेंगे. यस ठीक है. बाबू आ जाओ. डैडी वी वॉच्ड अ टुडे मी एंड मम्मा. ओके दोस्तों तो मैं पहुंच चुकी हूँ मेरी किचन में. अब मैं बुलाने वाली हूँ एक खास मेहमान को जो हमारे लिए चाय बनाएंगे और मैं क्लीनिंग करूँगी. सो कुछ ही पलों की देर में वो आ जाएंगे. उनको लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो एक नंबर के काम चोर है. मैं लेके आती हूँ दोस्तों. ऑल राइट दोस्तों तो हम लोग कामयाब हो चुके हैं हस्बैंड को सोफे से उठाने में. सोफे से उठाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है. जब आप उसमें कामयाब हो गए तो आपको आगे भी कामयाबी मिलेगी. और आज हम पियेंगे मेरे पति के हाथों की स्वादिष्ट चाय जो कि मैं बहुत महीनों के बाद पीने वाली हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई डोंट नो दोस्तों जब मैं अकेले किचन में चीज़ें करती रहती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ. मुझे गुस्सा आ जाता है कि यार मैं अकेले चीज़ें कर रही हूँ, लाइक इरिटेट हो जाती हूँ मैं. पर अगर मेरे हस्बैंड यहाँ पे खड़े होकर मुझसे बात ही करते रहे तो मैं कितना काम कर सकती हूँ. पर वो सोफे पे बैठे रहते हैं. पर आज हमने उनको उठा लिया है तो उनके आने से पहले ये सारी कन्वर्सेशन को हम लपेट देंगे ताकि उनको ये कुछ भी सुनाई ना दे.
कि हमारे विचार क्या हैं उनके बारे में, सुन के आने से पहले ही फिनिश हो जाएंगे, वो चाय बनाएंगे तो मैं क्लीनिंग करूँगी। ओके, आज हमने दोपहर में, एक्चुअली हमने आज सुबह कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ फ्रूट्स खाए, नाशपाती, एप्पल, बनाना, उसकी मैंने फ्रूट चाट बनाई थी जैसे हम इंडिया में खाया करते थे, मिक्स करके चाट मसाला, नमक, काला नमक एंड ऑल दैट। और उसके बाद हमने, हमारा राजमा राइस खाने के लिए मन था, अभी हमने राजमा कुछ ही दिन पहले खाए हैं, पर फिर अचानक से हमें फील हो गया कि राजमा खाते हैं, तो फिर मैंने लंच में राजमा राइस बनाए थे। सो हमारे यहाँ पे कोई भी खास क्रिसमस का डिनर नहीं बनने वाला है, सिंपल ही रहने वाला है। सो ये थी मेरी आलतू फालतू सी कन्वर्सेशन पति के आने से पहले। पति के आने के बाद हम डिफरेंट इंसान बन जाएंगे, प्यारे क्यूट भाई, इतने प्यारे, पति को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले। हाय पति, सुन प्यारे ने करा कितों शुरू करा कितों बांध करा की वर्ड्स करो। चलो आ जाओ, पहले सब नो सत श्री अकाल एंड हेलो बुला दो। मैं उन नवे साल ही गल करनी है। बोलो। ए मालिक तेरे प्यारी प्रेम नहीं करनी। हां लोकां नु हेलो हाय बोलो के हाय गाइस किदा हाल है तुम्हारे। हाय गाइस अभी गाइस सिंग कर। एक ही है प्यारी, नॉर्मल नॉर्मल। टेक 2 की क्योंकि हेलो दोस्तों किदा हाल है तुम्हारे, पंजाबी च बोलो। हाय गाइस क्या हाल चाल है आप लोगों के, क्यों हिंदी क्यों नहीं बोलूंगा मैं हिंदी बोलो, मेरा की जानदा तोड़ा ही जानदा जो जानदा मेरा कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता आपका। चलो चाय बनाइए, चाय बनाने से पहले आपको चाय वाला बर्तन धोना भी पड़ेगा ओ ना पानी च नहीं मत पानी की गल एक प्लेट है उसको धो के कुछ खा सकते हैं, भूखे रह लेंगे उस प्लेट को नहीं धोएंगे या लफाफे में खा लेंगे। मुझे ऐसा है कि बर्तन साफ ही नहीं होता, मैं घिसी जाता ये चिंता रहती है कि क्लीन नहीं हुआ मुझे, और दूसरा है कि इतना पानी वेस्ट करते हैं एक बर्तन को 4 घंटे लगा देते हैं। मुझे तो मैं इनको पैन धो के देने वाली। हाँ मैं धोता नहीं बर्तन, मैं मैंने बड़ी कोशिश की धो धो धो, मुझे फोबिया लगता है कि इसमें साबुन उतरा ही नहीं है, लगा रहता हूँ घिसा रहता हूँ, घिसा घिसा के घिसा घिसा के घिसा घिसा, फिर मैंने सोचा छोड़ो यार ये भी काम में काम है। अच्छा मैं बैठता हूँ। बैठो आ मैं बैठो, चाय बनाओ यार। चाय नहीं होती मैं नहीं बढ़िया बनाने यार, बनाओ यार दोस्तों चाय तो मैं बना दूँ, मगर मुझे जो बीवी के हाथों की चाय है काम चोर है तू नहीं, चलो वो मजा नहीं आता वो समझ। बीवी क्यों ना बीवी बीवी की कहा पति नहीं आया था बीवी जो मेरी बुड्ढे ने हाथों की चाय आया फिल्मा जो सेक लिया बीवी बीवी नंबर वन बीवी बीवी नंबर वन। दोस्तों जो ये मेरा जीवन है मैं थोड़ा पीछे आओ थोड़ा मुझे भी कर दिया तू कह मेरा बंदा बड़ा महान है। जब मेरे हस्बैंड बोर हो जाते हैं तो मैं उनको डांस करके बताती हूँ। अगर मेरी बहू बॉडी ठीक होती तो मैं डांस सीखना चाहता। ओके दोस्तों, मेरी जो नानी है उनका घर हमारे घर से पास में ही है, लाइक 2 किलोमीटर होगा। सो मैं कई बार क्या करती थी, अगर मेरी मम्मी मान जाए तो मैं नानी के घर रहने के लिए चली जाती थी मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म लेके, तो सुबह मैं नानी के घर से स्कूल आ जाती थी सीधा, वैसे स्कूल मेरे घर से बहुत पास था। तो एक बार मैं चली गई ऐसे प्लान करके, और मैं होमवर्क कभी भी फिनिश किए बिना स्कूल नहीं जाती थी, मैंने जल्दी जल्दी होमवर्क कर लिया। तो मेरी नानी के घर में बहुत सारे कजन्स हैं मेरे, लाइक मेरे 4 मामा हैं उनके बच्चे सारे, लाइक बहुत ज़्यादा मज़ेदार है वहाँ पे, और मज़ेदार हुआ करता था तब। अब तो सारे शादीशुदा हो गए, सारे अपने अपने सेटल हो गए। सो मैंने अपना होमवर्क कर लिया, और मेरी कज़न एक बिल्कुल मेरी एज की है, सो मैं होमवर्क करके उसके पास ही, मैंने कहा कि तुम होमवर्क नहीं करोगी, मैंने कहा कि मेरा होमवर्क हो गया, तुमने होमवर्क कर लिया, लेट्स प्ले। उसके बाद कह रही कि नहीं मुझे भी एक होमवर्क करना है, तो वो अपनी किताब खोल के बैठ गई और ऐसे करना शुरू कर दिया उसने,
ta thai 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 ta thai thai ta kandi ta thai thai thi ta thai thi ta aise pata nahi ye accurate kar rahi hu main ya nahi par wo aise kuch kar rahi thi main aage kar diya tu keh rahi ki ye mera music ka homework hai usne aisa karna shuru kar diya mujhe laga mazak kar rahi hai aur kya aapka bhi koi homework aise hua tha karta tha क्या आप लोगों ने आप में से किसी ने म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है अगर पढ़ा है तो मुझे बताना कि ये ता थाई 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 था होता है ये मैंने उससे सीखा है ता थाई ऐसी उंगलियों से कुछ करती थी तो ऐसे उसका होमवर्क हो गया मैं कहा आज चंगा है मैम ही लगी काले कलम पेज हो रहा अगर वो ये वीडियो देख रही है तो उसे पता होगा कि मैं उसकी बात कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी वीडियोज को देखती है हॉरिबल प्रेजेंट देने की पर उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया उसे बनाना अच्छा लगा काइंडा पर उसे अपना कीकी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सो मीमी दैट वाज अ प्रैंक एंड तू मेरी प्रैंक से आया नहीं हाउ यू लाइक माय प्रैंक हिम्मत सो अमेजिंग बट यू नो व्हाट इज माय हेटेस्ट प्रैंक द बनाना हेटेस्ट प्रैंक द बनाना प्रैंक वाज हॉरिबल हॉरिबल मीमी व्हाट अगर तेरे लिए सांता बनाना ले आवे दर्जन फिर की करेगा ऑलराइट दोस्तों तो हस्बैंड खाने के लिए मान नहीं रहे थे आज वो कह रहे हैं कि मुझे डिनर नहीं करना मैं सिर्फ पॉपकॉर्न खाना चाहता हूँ पर मैंने क्या किया राजमा बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने थे तो मैंने क्या किया उनको ज़बरदस्ती एक बुर्की खिला दी जब उन्होंने एक बुर्की खा ली तो फिर वो कह रहे कि ओके मैं खाऊँगा और सो या उनको मैंने ज़बरदस्ती रोटी खिला दी है और हमने डिनर कर लिया है दोस्तों तो आज का दिन फिनिश हो चुका है हमारे लिए 9 o'clock हो गए हैं ऑलरेडी और इसी तरह हमारा ब्यूटिफुल व्लॉगमेस भी फिनिश होता है हमने 25 डेज व्लॉगमेस को करने में सक्सेस हासिल किया हमने कोई भी दिन मिस नहीं किया दैट्स वेरी गुड एंड वेरी एक्साइटिंग और हमारी कोशिश होने वाली है कि हम इसके बाद भी काइंड ऑफ कंटिन्यूसली व्लॉग्स को अपलोड करें काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा और फ्यूचर में भी हम कंटिन्यूसली वीडियोस को अपलोड करेंगे हो सकता है कि मैं कल की ब्रेक ले लूँ फाइनली मुझे ब्रेक मिलने वाली है आई एम वेरी एक्साइटेड एंड शायद ना भी लूँ यू नेवर नो हो सकता है कि मैं कल की ब्रेक के बाद फिर वापस आ जाऊँ पर या आई होप आपने ये व्लॉगमेस को इन्जॉय किया होगा और मैंने इस बार के जो व्लॉगमेस की वीडियोज़ हैं 25 उन सबको व्लॉगमेस की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया सो अगर आपने किसी वीडियो को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो उसको मेरे व्लॉगमेस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सारी वीडियोज़ को उसमें मैंने ऐड कर दिया है और इस नन्हे लड़की को नींद नहीं आ रही है नन्हे लड़की यू वांट टू से समथिंग दोस्तों तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आपने पसंद किया होगा अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें अब आने वाले समय में बहुत सारी मेकअप एंड ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस भी मैं अपलोड करने वाली हूँ बिकॉज इस समय मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी मैंने कई चीज़ें शूट भी की थी पर मैं अपलोड नहीं कर पाई बट हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली अपलोड करें मेरे पास आपकी सारी रिक्वेस्ट हैं जो आपने मुझे सेंड की थी सो हम उन पर काम करना शुरू करेंगे अब एंड कल बॉक्सिंग डे वाले दिन हमारी स्मॉल लैश
लैशेस पे सेल चलने वाली है 40% साइट वाइड, एंड आपको कोई भी कोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मिनिमम $30 स्पेंड करने हैं, उसके बाद आपको मिलेगा 40% ऑफ। सो जल्दी से जाएँ लैशेस खरीद लें अपनी ब्यूटीफुल सी। मेरी लैशेस की वेबसाइट का लिंक सबसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है। सो यस, अपना पेयर सिक्योर कर लें। मैं मिलूंगी आपको जल्दी ही नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू आर अ ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बाय, लालू। Tradition.